के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, दोगुना होनी चाहिए। मोदी जी अपने कई चुनावी भाषणों में कह चुके हैं कि वर्ष 2022 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब तक किसानों की आय दोगुनी हो चुकी होगी। सुना है ना, आय दोगुनी तो नहीं हुई, बल्कि मोदी जी ने वो कानून बना दिए जिससे किसान जो कमाते थे वो भी छीन लिया जाएगा, और तो और किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएगा। सभी के पास पक्के मकान होंगे, यह भी कहा था मोदी जी ने। रिपोर्ट के अनुसार अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में 40 करोड़ श्रमिक गरीबी में फंस सकते हैं। हर साल 2 करोड़ नौकरियां, वो तो मोदी राज में होना नामुमकिन ही था। इस साल लगभग 18.9 मिलियन वेतनभोगी लोग नौकरी खो चुके हैं। 2020 नवंबर में रोजगार बेरोजगारी एक साथ गिरने के कारण नौकरी के बाजार में 50 लाख कर्मचारी गायब हो गए। शौचालय बनाए जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार आज भी 29% ग्रामीण घरों और 4% शहरी घरों में शौचालय नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, याद है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। रिपोर्ट के अनुसार 39% रिश्वत दर पर भारत एशिया का सबसे भ्रष्ट देश है। भारत के कोरोना वायरस के मामले 1 करोड़ के करीब है। हर दिन हजारों लोग मर रहे हैं और मोदी जी अनावश्यक चीजों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। काला धन वापस आएगा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, और भी इस तरह के कई वायदे उन्होंने किए। जब वह 2014 में सत्ता में आए थे, तब उन्होंने वादा किया था कि अगले 5 वर्षों में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बाद में उन्होंने यह लक्ष्य 2022 तक बढ़ा दिया। आज भी मोदी जी बस वैसे ही वादे करना चाहते हैं। मगर अब देश समझ चुका है कि ये सरकार विश्वास के लायक नहीं है। हक देगी नहीं, लेना पड़ेगा।